नमस्कार, मैं हूँ राधिका राज और आप देख रहे हैं GBN24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 को जमशेदपुर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री 3 कार्यक्रम में शामिल होने के साथ रोड शो भी करेंगे। इस दौरान जमशेदपुर शहर को दुल्हन की तरह सजाया सवारा जा रहा है। साफ सफाई के साथ साथ शहर की सभी दीवारों पर पेंटिंग की जा रही है। पेंटिंग के जरिए झारखंड की संस्कृति को दिखाया जा रहा है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सभी अधिकारी तैयारी में जुट चुके हैं। प्रधानमंत्री जी का आगमन है 15 को, उसको लेकर जुगसलाई को इसके क्षेत्र में साफ सफाई बैरिकेडिंग लगाने का जिम्मा दिया गया है और उसको देख रेख करने के लिए वरीय प्रभार के रूप में हमको उपायुक्त महोदय द्वारा भेजा गया है, तो उसी को हम लोग देख रहे हैं। अभी तक बहुत सा साफ सफाई काम चालू हो चुका है और हमको जहाँ तक लगता है कल या परसों तक में सब साफ सफाई काम ठीक हो जाएगा। कल से हम लोग बैरिकेडिंग लगाने का काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तहाँ जो बिजली का वायर इधर उधर वायर जो झूल रहे हैं उसको फोटो खींच के हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के जो एक्सिक्यूटिव इंजीनियर है उसको भेज दिए हैं। आज शाम से वही हटाने का काम करेंगे वो लोग। तमाम व्यवस्था में हम लोग सब लगे हुए हैं। हम लोग सौंदर्यीकरण के लिए भी सब अपने पर लगे हुए हैं। जिसको अपने स्तर से कर रहा है, रेलवे अपने स्तर से कर रहा है, जुगसलाई अपने स्तर से कर रहा है, सबको हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 15 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री का भ्रमण कार्य प्रस्तावित है और इसके तहत जिला प्रशासन की तमाम टीमें, रेलवे, जिसको सब लोग मिलकर साफ सफाई सिक्योरिटी को देखते हुए पूरी तरीके से हम लोग तैयार हैं। सफाई का काम जैसे आप लोग देख रहे हैं कि वैसे डे टू डे भी करते हैं, पर हम लोग प्रायोरिटी बेसिस पे इसको कर रहे हैं। रंग रोगन का भी कार्य किया जा रहा है और शहर को और भी सुंदर बनाने का कोशिश किया जा रहा है। और जुगसलाई नगर परिषद के जितने भी लोग हैं उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए भी सफाई व्यवस्था बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। हाँ, ये हमारी झारखंड की संस्कृति को दिखाया जा रहा है। कहीं एक राष्ट्रीय मंच पे अगर माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं तो एक मीडिया वाले आएंगे और भी, तो एक राष्ट्रीय स्तर पे इसको दिखाया जाएगा, इसीलिए सोहराय पेंटिंग की जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए GBN24।